वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। मोदी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के कई नेता सवाल उठा चुके हैं तो कुछ ने समर्थन भी किया है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने आर्टिकल 370 हटाने को धर्म से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो। ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि यह मुस्लिम बहुल है। पी चिदम्बरम ने कहा, जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भगवा पार्टी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती। मीडिया पर भी सवाल उठाया। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपनी ताकत से अनुच्छेद को खत्म कर दिया है, जम्मू कश्मीर अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां इस अशांत स्थिति को कवर कर रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया घराने ऐसा नहीं कर रहे हैं। चिदम्बरम ने कहा, भाजपा का दावा है कि कश्मीर के हालात ठीक है। अगर भारतीय मीडिया घराने जम्मू कश्मीर में अशांति की स्थिति को कवर नहीं करते हैं तो क्या इसका मतलब स्थिरता होता है? छोटी पार्टियां डरी हुई हैं। साथ ही चिदम्बरम ने 7 राज्यों में सरकार चला रहे क्षेत्रीय दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के कदम के खिलाफ भय के कारण सहयोग नहीं किया। चिदम्बरम ने कहा कि हमें पता है कि लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन 7 पार्टियों ने सहयोग किया होता तो विपक्ष राज्यसभा में बहुमत में होता। यह निराशाजनक है। नेहरू पटेल में विवाद नहीं था। चिदम्बरम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कभी संघर्ष की स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि पटेल कभी भी आरएसएस के पदाधिकारी नहीं रहे थे, उनका कोई नेता नहीं है, वे हमारे नेता चुरा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चोरी करता है, इतिहास यह नहीं भूलता कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने किया पलटवार। इस बीच चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जैसे और भी कांग्रेसी 370 को धार्मिक रूप देकर भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। याद रहे, यह मोदी की सरकार है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं। इनके हिंदुस्तान विरोधी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।